Hello students, welcome to the 8th class on current affairs. And in this class we'll be dealing with the Panama Papers leak. Now this has been in news since 2016. Panama paper leaks kya cheez hain, GS point of view se kahan pe important hai, we'll be discussing all this in this class. Now Panama paper leaks ka jo issue hai, this relates to money laundering. Isko samajhne ke liye hame pehle to money laundering ko samjhenge. Ye iska core concept hai jiske around ye revolve karta hai, Panama paper leaks, money laundering. बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, या तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, या ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स में इंडल्ज हो जाते हैं, या ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में इंडल्ज हो जाते हैं, या ट्रैफिकिंग ऑफ वेपन्स में इंडल्ज हो जाते हैं. मतलब इलीगल तरीके से इन चीज़ों का धंधा करते हैं. धंधा किन का करते हैं? ड्रग्स का करते हैं, आदमियों का करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का, या वेपन्स का करते हैं, या किसी और तरह की स्मगलिंग में इंडल्ज हो जाते हैं. तो ये सब कानून की नज़र में ये सब इलीगल धंधे हैं, इनसे पैसा नहीं कमा सकता कोई भी, और ना ही सरकार इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाती, क्योंकि ये सारे धंधे ही अलाउड नहीं हैं. बट बहुत लोग इस तरह के धंधे करते हैं, और धंधे करके बट क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है ये सब कुछ करके, वो ये शो करते हैं बाकी दूसरे लोगों को और सरकार को ये शो करते हैं कि उन्होंने ये पैसा सही ढंग से कमाया है. तो पूरे गंदे पैसे को वो बेसिकली क्या करते हैं, वॉश करते हैं, लॉन्ड्रिंग कर देते हैं. इसी कंसेप्ट को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को साफ करना, गंदी कमाई को साफ करना. अभी गंदी कमाई को किस तरह से साफ कर सकते हैं, हम शो करेंगे कि हमने ये पैसा सही ढंग से किसी और जगह से कमाया है. हम ये शो करेंगे कि ये जो पैसा कमाया गया ये लीगल वे से कमाया गया पैसा है, ये इलीगल वे से कमाया गया पैसा नहीं है. नाउ दुनिया भर में पॉलिटिशियंस, दुनिया भर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो गलत वे से पैसा कमा रही हैं और टैक्सेस नहीं दे रही हैं सरकारों को. ना लेट अस सपोज हिंदुस्तान में कोई बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ को पैसा नहीं देना चाहता, यहाँ पे काम कर रहा है, सब कुछ देश का यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पे पैसा नहीं देना चाहता वो, तो वो करता क्या है, और पैसा उसने गलत तरीके से कमाया हुआ है. तो वो फॉरेन में, इंडिया में इस तरह की कंपनीज नहीं हैं, फॉरेन में एक ऐसी कंपनी को ढूंढता है जो उसको मदद करे ये शो करने में कि जो भी पैसा उसके पास है वो सही ढंग से उसने पैसा कमाया है. पैसा इस तरह की एक कंपनी है मोसेका फोनसेका. अब ये वाली जो कंपनी है ये कहां पे है, मोसेका फोनसेका, ये कंपनी है पनामा में. पनामा एक जगह का नाम है यहां पे, जहां पे ये वाली कंपनी है मोसेका फोनसेका. अभी मोसेका जो कंपनी है, एमएफ कंपनी है मोसेका फोनसेका, ये कंपनी लोगों को ढूंढती है जिनके पास इलीगल पैसा है, और जो लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते हिंदुस्तान में. लेट अस सपोज कोई इंडिया में कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसका 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स उसको पे करना है, बहुत बड़ा अमाउंट है. अगर ये कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है तो उसको 10,000 करोड़ रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा. बट अगर ये कंपनी मॉरिशस में अपना हेडक्वार्टर बना लेती है, या केमेन आइलैंड में अपना हेडक्वार्टर बना लेती है, ये इस तरह के कुछ देश हैं जहां से जिनके साथ हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, या तो ये कंपनी वहां पर टैक्स पे कर दें मॉरिशस में, या सिंगापुर में, या केमेन आइलैंड में, इस तरह के देशों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है, या वो कंपनी इंडिया में टैक्स पे कर दे. तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान ने बेसिकली इन देशों के साथ इसलिए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ताकि एफडीआई आता रहे इंडिया में. बट कई बार क्योंकि यहाँ इंडिया की कंपनीज ही अपने हेडक्वार्टर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेती हैं,
और टैक्स बेनिफिट के लिए वो अपना सारा हेडक्वार्टर वहां पे मूव कर देती है और इंडिया को पैसा नहीं मिल पाता। तो सरकार जो हमारी, जिसको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि ये कंपनी एक्चुअली इंडिया में ऑपरेट कर रही है, सब्सटेंशियल ऑपरेशन इसका इंडिया में है, बट क्योंकि इकोनॉमिक फ्लॉज है हमारी ट्रीटीज़ में, तो ये कंपनीज बाहर वाले देशों में अपना हेडक्वार्टर बना लेती, वहाँ पे इनको कम टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि सिंगापुर, मॉरिशस, केमैन आइलैंड, इस तरह के लोकेशंस हैं, इंटरनेशनल रीजन्स हैं, टैक्स रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इंडिया में काफ़ी टैक्स पे करना पड़ता है कंपनीज को, कॉरपोरेट टैक्सेस इन द रेंज ऑफ 25% से ऊपर का टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये टैक्स बच जाता है इन कंपनीज का, तो मोसेका फोनसेका वाली जो कंपनी है ये ऑफ शोर ऑपरेशंस करती हैं इस तरह के। तो इस तरह के लोग जो बहुत अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो वो बेसिकली दे गो टू मोसेका फोनसेका, तो उस तरह की कंपनीज के पास जाते हैं। तो ये कंपनीज ऑफशोर ऑपरेशन से क्या करती हैं, इनका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देती हैं। तो इनकी सर्विसेज जो है, मोसेका कंपनी जैसी की जो सर्विसेज हैं, कौन से लोग लेते हैं? पहला तो जो टैक्सेस से बचना चाहते हैं, दो जिनके पास इलीगल मनी है। तो ये कैसे हेल्प करती हैं, ये एक्चुअली उनको हेल्प करती हैं शेल कंपनीज बना के। शेल कंपनीज, नाम से क्लियर हो रहा है कि शेल है, बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से है, एक शेल बना रखा है। तो शेल कंपनीज बेसिकली हेल्प करती हैं आपको अपना टैक्स बचाने के लिए। अब ये शेल कंपनीज की ओनरशिप कुछ जगह पे क्या हुआ, अभी ये जो मोसेका फोनसेका कंपनी है जिसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी पब्लिक में रिलीज हो गए हैं, इसने बहुत लोगों के अनोनिमस नाम से बहुत जगह पे शेल कंपनीज एस्टेब्लिश की हुई हैं और लोगों का जो पैसा गलत ढंग से कमाया उसको वाइट शो करने की कोशिश में ये कर रहे हैं। एंड अभी ये जो पेपर लीक हुए हैं इस कंपनी के जो ऑफशोर ऑपरेशंस करती हैं, इसमें से ये भी पता लगा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इलीगली पैसा कमाया है, फिर वो इस कंपनी के पास गए हैं। इस कंपनी ने अलग अलग, जिस तरह से जी राजपूत का पैसा, जी राजपूत ऑफशोर इनके पास चला जाए, मोसेका फोनसेका के पास चला जाए और उनको बोले कि मैंने पैसा कमा रखा है, मेरा पैसा बताइए किस तरह से बच सकता है, वो कहेंगे कि हम एक डमी अकाउंट बनाएंगे, जी राजपूत के नाम से कंपनी नहीं बनाएंगे, किसी और नाम से हम कंपनी बना लेंगे, एक्स वाई जेड किसी और का नाम दे देंगे, वहां पे आपका पैसा पड़ा रहेगा और हम आपको अश्योर करेंगे कि वो पैसा आपको मिल जाएगा जब आपको चाहिए होगा, बट दुनिया को नहीं पता चलेगा। तो इस तरह की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है इस कंपनी की। और ये कंपनी कहाँ में प्रेजेंट है? पनामा में प्रेजेंट है और ये लीक हो गया है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन बाहर आया है, बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन इसमें से बाहर आया है। किस तरह के लोगों का? नवाज शरीफ का इंफॉर्मेशन बाहर आया, नवाज शरीफ को तो अभी कन्विक्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम आया है, फीफा जो फुटबॉल का कंडक्ट कराता है, वर्ल्ड कप कंडक्ट करता है और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है फुटबॉल का, फीफा का भी इसमें नाम आया, उन्होंने भी पैसा लगा रखा है इस तरह से पैसा बचाने के लिए, शेल कंपनीज बना रखी हैं उन्होंने भी, इलीगल शेल कंपनीज, उनके नाम पे नहीं किसी और के नाम पे। बेसिकली टैक्स से बचने का सिस्टम है, गलत तरीके से पैसा कमा के उसको बचाने का हिसाब किताब है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आज की डेट में पब्लिक हो चुका है। सो दिस इज व्हाट दिस इंटायर पनामा पेपर्स लीक इज ऑल अबाउट। कुछ भी ना समझ आए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8459400000। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी हैं, थोड़ा हमें हेल्प मिल जाएगा इसमें से। अगर आप ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो क्लास पैकेज बाय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पूरा वीडियो क्लासेज है उसमें, 22,000 rupees का पैकेज है, GS प्री प्लस मेंस है, पूरा मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस का उसी पैकेज में है। So this was all for the day. Bye bye. Take care. Have a nice day.